ये रही यामाहा की R1, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टार्ट नहीं हो रही है, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम देखते हैं। अभी इसका क्या है, मैग्नेट कवर खोल रहे हैं, ठीक है। ये रहा मैग्नेट कवर। मैग्नेट कवर खोलने के लिए अपन को ये फाइबर सारे साइड के पल्ले खोलने पड़ेंगे, एल साइड के पूरे कवर फेयरिंग खोलनी पड़ेगी, ठीक है। फेयरिंग खोलने के बाद मैग्नेट खोल के देखते हैं, इसमें मैग्नेट की मक्खी होती है वो तो नहीं टूट गई। अगर वो टूट गई होगी तो वो नया डालेंगे तो गाड़ी चालू होगी, नहीं तो इसका फिर प्लग चेक करेंगे। और खोलने के बाद जब इसको मैग्नेट खोला तो अंदर एक चैन गाइड का बोल्ट होता है वो टकरा रहा था इसमें, ठीक है। तो जिसके कारण से अभी देखते हैं इसमें प्रॉब्लम सही होती है कि नहीं। यहाँ की प्रॉब्लम तो सही कर दी है। अब इसके बाद बैटरी वगैरह चार्ज करके इसको स्टार्ट करके देखते हैं स्टार्ट हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है। बैटरी इसके चार्ज करके तो लगा दिए, प्लग खोल रहे हैं इसका। प्लग खोलने के लिए राइट साइड की भी फेयरिंग पूरी खुलती है, ठीक है। फेयरिंग खुलने के बाद ये प्लग है, ये प्लग पाना से खुलेगा। ये प्लग की हालत देखते हैं, इसमें ऑयल आया है कि नहीं आया है। वसीर आया इसमें। वसीर ये क्या होता है बाबा? कॉलोनी कंपनी है देखिए, द फॉल्ट इज हियर, ठीक है। अब इसमें डालेंगे नया प्लग, गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। प्लग लगाने के बाद भी इसमें गाड़ी की स्टार्टिंग नहीं हो रही, करंट भी आ रहा है। इसका कंप्रेसर जो है वो अभी डाउन ही है, तो अब इसका फुल इंजन वर्क करेंगे, ठीक है। तो खोल लेते हैं इंजन, उसके बाद आपको दिखाते हैं फॉल्ट कहाँ कहाँ पे है और इसका सॉल्यूशन क्या है। जो है R1 का अपन ने निकाल लिया है, ठीक है। ये रहा इंजन। अब इसको पान खाने के बाद चालू किया जाएगा, भैया चालू करेंगे। थोड़ा सा अभी मैं रेस्ट कर लूँ, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। पहले तो हेड कवर खोल के ही समझ में आ जाएगा कितनी प्रॉब्लम है, ठीक है। पकड़े चलिए, पैनल बिक गया, ठीक है ठीक है। कुछ ज़्यादा ही है ये, एक आज लाए तो दे दिए, एक को एक आज लाए 5 LB तो दे दिए हैं। निकला हुआ ठोकना पड़ेगा इधर वाले बोल्ट। चिड़िया तो एकदम गई हुई है, सूखा कहे चल रहा है। ऑयल पंप नहीं काम कर रहा ना, ये क्या है पूरा इतना इतना तेज आवाज करेगा इतना। देखिए ये रही हालत इसकी, और इधर भी ऐसी हो, इधर तो ठीक है ही थोड़ा बहुत। देखते इसका ऑयल पम्प ख़राब है, जिस कारण ऑयल आ ही नहीं रहा है ऊपर, देखते हैं इसको।
ओपन करते हैं, ऑयल पम्प वगैरह इसका चेंज करेंगे, फुल इंजन खुलेगा इसका, फिर इसे रिस्टोर करते हैं। अभी इंजन वाले अंदर के बोल्ट ब्लॉक वाले स्टड निकाल रहे हैं, देखिए लंबे लंबे, ठीक है, दो नीचे लगे होते हैं, दो ऊपर लगे हुए हैं। इसको डिसमेंटल कर रहे हैं पूरा, पार्ट चारों बोल्ट खुल चुके हैं, टॉप मिलाना है। हेड अपने अलग कर लिया, हेड अलग करने के लिए वाली करारी बस खोल दी है, गोल गोल वाली, ठीक है, तो ये अपना हेड बाहर आ गया। अब पिस्टन की हालत भी गई हुई है एकदम, ब्लॉक भी लगभग ख़त्म है, तो इसमें ब्लॉक किट डालेंगे या फिर रिंग पिस्टन, देखते हैं कस्टमर क्या बोलता है। मेरा पिस्टन, पिस्टन भी कट गया है, अब इसका हेड खोलना चालू है। वही रखा है पैर के पास हमारे, नहीं खुला। चलिए इसको बोल्ट वगैरह खोल के अलग अलग करके फिर दिखाते हैं। याहू, पूरे बोल्ट जाम हो गए ऑयल न जाने के कारण। अभी ऑयल वगैरह डाल के इसको फ्री किए तो ये खुलने लगा है रॉकर के नट्स। वॉल भी पूरे काले हैं, मतलब एवरेज एक भी नहीं दे रही थी, ठीक है। ट्रक तो नया डाले हैं, वो वाइट वाइट अलग ही दिख रहा है, तो देखते हैं इसमें। आगे का इंडिकेटर ख़राब है क्या? फ्री है क्या? खुल ही नहीं रहा तो। निकल ही नहीं रहा, एकदम जाम है, देखते हैं।